सहजता है कि वो क्रोध में आ ही नहीं पाते। क्रोध के लिए जो है थोड़ा सा जो अग्नि तत्व है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, और सर के अंदर जो है जल तत्व प्रभावी है। तो जल तत्व की प्रभावता के कारण जो है सर कभी किसी के ऊपर ना तो क्रोध करते हैं और न ही किसी के साथ क्रोध का व्यवहार करते हैं। और सीधी सी बात है, जब किसी के साथ क्रोध नहीं कर रहे हैं तो वो सबको फ्री लगेंगे, लेकिन क्रोध के अलावा सर जो है, सर का जो मन है वो जो है उसकी तुलना जो है के लिए एक पंक्ति बोलना चाहूँगा। एक मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन नहीं जानता। राम की शक्ति पूजा में एक मन के बारे में श्री राम जो है जब रावण से युद्ध लड़ रहे थे तो बार बार उनकी पराजय हो रही थी, क्योंकि रावण के द्वारा शक्ति आवरण करके जो है श्री राम को पराजित किया जा रहा था। लेकिन फिर भी उनके मन का एक कोना ऐसा था जो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। इसी को जो है हमारे प्रसिद्ध कवि सुल्तान त्रिपाठी निराला जी ने जो है लिखा है, एक और मन रहा राम का जोनत का, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता बने। तो सर का जो मन है वो किसी विनय और दैन्यता को नहीं जानता है, बस ये है कि जल तत्व के प्रभाव में क्रोध से सर मुक्त है, और इसी से जो है वो ऐसा नहीं है कि वो क्रोध नहीं करते, इसीलिए वो अच्छे लगते हैं। उन्होंने लोगों की समस्या अपने प्रेम के अपने व्यवहार के माध्यम से आपके और हमारे दिल में जगह बनाई है। यही वजह है कि आप और हम यहाँ एकत्रित हैं। ये जो दिल में जो जगह है यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और मैं जौनपुर के लोगों का पहले जो है जौनपुर के बारे में लोग बड़ी आलोचना करते थे, कहाँ जा रहे हो, पूर्वांचल है, लेकिन हृदय से मैं बता रहा हूँ कि मैं जौनपुर के लोगों का बहुत आभारी हूँ। मुझे मात्र 6 महीने में इतना असीम प्रेम और हर तरह से सहयोग मिला। यही जो अतिक्रमण में जो हटा रहा हूँ वो व्यापारियों की टोली आ जाती है, वो हल्ला करती है और कोई नहीं हटाने देता। लेकिन ये कि यहाँ लोग अपने आप से जो है अतिक्रमण, ये भले ही स्मार्ट सिटीजन का परचय न दे पा रहे हो लेकिन प्रशासन के काम में पूरा सहयोग दे रहे हैं, और न केवल सहयोग दे रहे हैं बल्कि प्यार भी पूरा दे रहे हैं। इसके लिए जो हमारे पत्रकार बंधु और हमारे जितने भी विभिन्न जो संगठन हैं उनके पदाधिकारी हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, और आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और मैं ब्रह्मांड को मानता हूँ, तो मैं ब्रह्मांड से प्रार्थना करता हूँ कि सबको जो है दीर्घायु, स्वास्थ्य और जो है उन्नति, और परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करें। धन्यवाद। धन्यवाद सिटी मजिस्ट्रेट साहब। आए अपन भोग से प्रसन्न किया जाता है, अन्य देवी देवताओं को दान और बलिदान से प्रसन्न किया जाता है, लेकिन भगवान शंकर एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कि मात्र एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। चूंकि सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने एसपी साहब को कहा कि आप में जल तत्व की अधिकता है, तो शिवलिंग प्रभु शंकर जो हैं उन्हीं पर ना सबसे ज़्यादा जल चढ़ता है। तो ऐसे ही आज के मुख्य अतिथि को हम सादर आमंत्रित करेंगे अपने भावनाओं और विचारों को हम मैं उपस्थित सभी अग्रज का नमन करते हुए, जो अनुज है उनको प्रयास करते हुए, नाम तो बहुत है, मैं उनको अग्रज और अनुजी में ही अधिकार हूँ। ये जो मेरे जन है, जो भाई हैं, सबका नमन करते हुए सबसे पहले मैं आयोजन गण को धन्यवाद दूंगा, मुझे इस लायक समझा, मुझे यहाँ बुलाया, मुझे प्यार दिया, इतना प्यार। ट्रांसफर जो एक परंपरा है, प्रोसीजर है, 25 साल की नौकरी हमारी होगी लगभग, और कहीं भी मुझे जाते हुए कभी हिचक नहीं हुआ, मैं ट्रांसफर पे जा रहा हूँ। मैं जिस दिन आदेश आता उसी दिन साइन करके अपना बांधने छाड़ने में लग जाता हूँ। मैं जब से ट्रांसफर ऑर्डर आया है तब से सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आप लोग इतना स्नेह प्यार दे रहे हैं, इतना मिलने आ रहे हैं कि मैं अपने सामान भी नहीं रख पा रहा हूँ। इतना प्यार जौनपुर का नाम मुझे कहीं नहीं।
अभी कुछ महीने पहले मेरे पिताजी का देहांत हुआ था। हमने निर्णय लिया कि चूंकि पुलिस में छुट्टी की दिक्कत होती है, मैंने निर्णय लिया कि इन्हीं से अपना जो भी कार्यक्रम किया जाए। मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं अपने घर से बाहर हूँ। मुझे इतना समय नहीं मिला कि मैं कुछ विलाप करूँ। लोग इतने लोग आके हमारे पास अपना स्नेह प्यार दिए कि मैं भूल गया कि मैं किस काम के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं नहाने और पूजा पाठ करने जा पाता। इतना प्यार मुझे कहीं नहीं मिला। गुरु जी पीछे बैठे हैं, उन्होंने पूरा प्रोसीजर में साथ रहे, एक एक चीज बताया, जो भी जैसे बताया मैं आप लोगों के बीच में उसने कभी नहीं ला, जो बोल दिया बता दिया मान गया। अभी कभी बात होती थी कि इस पे बाइट नहीं देना है तो मान जाते थे। आपका भी बहुत प्यार मिला और आप लोगों के प्यार से ही आपके सोशल मीडिया से मुझे इतना प्यार मिला। मैं अनुग्रहित हूँ और सबका मैं सम्मान नमन करते हुए विदा।